Hello and welcome to Virtual Masterclass Series by Taste of America and USDA. I'm Chef Sanjeev Kapoor और आपके साथ में बादाम खाते हैं. चलिए कैलिफोर्निया से बादाम लेकर आए हुए हैं, वो खाते हैं. खैर कैलिफोर्निया में मतलब मौसम इतना अच्छा होता है, सनशाइन मतलब 365 में से 300 दिन सनशाइन होती है, तो इसलिए वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी बढ़िया होती हैं और आमंड्स इतने बढ़िया उगते हैं वहाँ पे, मज़ा आ जाता है. आई थिंक इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कोई भी हेल्दी चीज़ होती है ना, तो आप खाने से शुरुआत तो करें, अब उसमें किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है आई थिंक दैट्स एंटायरली अप टू यू. और ये तो इतना वर्सेटाइल नट है. देखिए विटामिन ई इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, जो फैट की क्वालिटी है बहुत बढ़िया होती है, प्रोटीन रिच है, मैग्नीशियम इसके अंदर होता है. खैर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और टेस्टी भी होता है. अगर बादाम और बादाम का अगर हलवा बन जाए, जन्नत, मज़ा आ जाएगा. तो चलिए बादाम का हलवा बनाते हैं. मतलब ढेर सारे बादाम जो हैं उसको थोड़ा सा कम भी कर लेंगे, मतलब कहेंगे बादाम का हलवा और थोड़ा सा कुछ में अलग करेंगे. जैसे मैं एक बहुत बारी लोगों को समझाता हूँ कि खाने में ना स्मार्टनेस बड़ी ज़रूरी है, तो सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे. तो इस रेसिपी में बादाम को भिगोया गर्म पानी के अंदर करीब 1-1.5 घंटा, और उसके बाद में जो भीगे हुए बादाम है ना, तो ये क्या होता है कि ऊपर का ये जो बादाम की गिरी है इसका जो छिलका है ये ऊपर से ये इस तरह से निकल जाता है. आराम से आप निकाल सकते हैं, ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. जब उसको छीला तो इसमें थोड़ा पानी होगा, तो पानी जो है वो सुखा लेना है किसी किचन क्लॉथ में रख के. अब इसे हमने ये डाल दिया इस चॉपर के अंदर, मतलब इसका एक तरह से पाउडर बनाना है हमने. और फिर बस अब देखिए ये कितना बढ़िया हो गया, ये कैसा इसका ये टेक्सचर देखिए, दानेदार है, थोड़ा नटी लग रहा है. ऐसे ऐसे मोटा अगर रवा आप देखें ना, जैसे सूजी होती है, बस वैसे ही है. फिर क्या करना है हमें, कढ़ाई पैन कुछ भी ले लें आप. ये हमने ले लिया पैन और इसके अंदर ये देसी घी. अब हलवा बना रहे हैं तो ये ज़रा देसी घी, और अब इसके अंदर हमने ये जो बादाम का एकदम से रवा बनाया था ना वो नहीं डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे एक्चुअल रवा यानी सूजी. तो ये देखिए मेरे पास में सूजी है, तो ये पर ज़्यादा नहीं, बस ये लिया हमने. और ये देखिए ये सूजी को भूनना है हमने. अच्छा इसमें एक टिप दे देता हूँ आपको कि सूजी जब आप घर में ख़रीद के लेके आए ना, तो उसको ड्राई रोस्ट करके फिर किसी डब्बे के अंदर रखिए, एयरटाइट कंटेनर के अंदर रखिए, क्योंकि जब उसको भून दिया जाता है तो फिर उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते. और दूसरा, जब आप सूजी को इस्तेमाल करेंगे, किसी भी चीज़ में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़्यादातर उसको पहले भूनते हैं, तो भूनने में समय कम लगेगा. तो ये जो है भूना. अच्छा हलवा वगैरह ऐसे जब बनता है तो नॉर्मली उसके अंदर लोग कहेंगे कि अच्छा अब इसके अंदर हमें चाशनी बनानी पड़ेगी. नहीं नहीं नहीं, कोई चाशनी वगैरह नहीं, सीधा चीनी के साथ में डायरेक्ट इसको हम पकाएंगे. हल्का सा लाल होना शुरू हो गया है, और फिर इसके अंदर ये हम डालेंगे बादाम. ये देखिए, अच्छा बादाम जो है ना, देखिए भीगे हुए हैं तो इसलिए ठीक है, अगर बहुत ड्राई होते हैं ना तो बहुत जल्दी ये जल सकते हैं. कैलिफोर्निया आमंड्स हमने भिगो के छील के फिर इसके अंदर डाले, और अब आप देखें तो इसके अंदर हमने जो रवा था वो भुना, और अब बादाम इसके साथ में डाल के इसको भून रहे हैं अब, क्योंकि बादाम के अंदर मॉइस्चर है क्योंकि भिगो के रखे थे, तो थोड़ा सा आराम से संतुष्टि के साथ में पकेंगे. अब इसके अंदर जो गेहूं का रवा है वो और बादाम, ये अब समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे मिल गया, राइट? अच्छा एक चीज़ बताता हूँ, हम लोग काफ़ी साल पहले फिल्मिंग करने के लिए गए थे कैलिफोर्निया में, और वहाँ पे देखा कि जितने ग्रोअर्स हैं ना वो इंडिया से, पंजाब से बहुत सारे लोग गए हुए हैं, और कई जगहों पे तो ऐसा लगता है, कई टाउन्स में जाके ऐसा लगता है कि अभी भी आप पंजाब में हैं, जिस तरह से उनका रहन सहन है, जिस तरह से वो है. बट इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस दे मेंटेन, और बहुत बढ़िया से काम करते हैं, जितनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनकी दे आर टॉप ऑफ द लाइन, फैंटास्टिक, बहुत मज़ा आता है देखने में. ये हमने इसको किया, हाँ ये हल्का हल्का लाल होना शुरू हो गया ना, बस. अच्छा अब इसके अंदर
जो हमने रवा डाला है ना उसको थोड़ा फूलना चाहिए, तो उसको फूलने के लिए पानी। वाह वाह वाह, पानी के साथ में जो रवा है वो फूल जाएगा और जो आमंड्स हैं वो उसके साथ में मिक्स हो जाएंगे। और इसको ज़रा केसर के साथ में इसका मिलाप करवाते हैं, तो ये सैफ्रन और इसको ये, वाह मज़ेदार। थोड़ा सा दूध भी डालते हैं इसके अंदर, चीनी अभी तक नहीं पड़ी है बट चीनी भी पड़ेगी। तो ये जो एसेंशली है ना दूध, पानी और दूध, ये रवा के लिए, ताकि रवा जो है पूरी तरह से फूले, पूरी तरह से पके और बादाम के साथ में मिक्स हो। अब बारी आती है इसको मीठा करने की। मीठा करने के लिए मेरे पास में चीनी, जैसे मैंने बताया कि चाशनी की ज़रूरत नहीं है, इसमें जो रवा है अब फूल चुका है पूरी तरह से, चीनी डालने से चीनी पिघलेगी, उसकी वजह से थोड़ा आप देखेंगे इसमें ग्लॉस भी आएगा और ये थोड़ा सा पतला भी होगा। बट देन इसको जैसे जैसे हम पकाते जाएंगे ये फिर गाढ़ा हो जाएगा, और फिर जब डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी आ जाए, राइट कंसिस्टेंसी, अगर आपको लगे कि बस ये कंसिस्टेंसी ठीक है, ना बहुत गाढ़ी ना बहुत पतली, तो बस फिर इसको सर्व करना है। गर्मा गर्म सर्व होना चाहिए जो हलवा है। और ऊपर से गार्निश के लिए बादाम, नहीं नहीं कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। पर देखिए बादाम का हलवा है, ऊपर से बादाम थोड़ी डालेंगे, बस ऐसे ही इसको परोसेंगे। हलवा जो है बढ़िया दिख रहा है, कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, नाइस ग्लॉस। एंड अगर आपको ऐसा चाहिए कि इसमें से ऊपर से थोड़ा सा और घी दिखना चाहिए, तो ऊपर से थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। मतलब कि इसी को ही ज़रा सा अगर मैं किनारे पे घी डालूँगा तो ये घी ज़्यादा बढ़ाएगा भी नहीं, एंड इट स्टार्ट टू लुक एज इफ कि अरे वाह। क्योंकि कई लोग जो होते हैं उनको लगता है कि जब तक ऐसे घी दिखे नहीं ना, तब तक बादाम का हलवा जो है वो वैसा बना नहीं है। तो बस इसकी कंसिस्टेंसी जो है आई थिंक इट्स परफेक्ट। बादाम का हलवा तैयार तो हो गया, लेकिन चखे बिना तो पता ही नहीं चलेगा ना। अमेजिंग, मज़ा आ गया।